तो फ्रेंड्स, फाइनली शाओमी से अलग होकर रेडमी ने अपना न्यू फोन लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है रेडमी नोट 7। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शारिक तनवीर एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल अनबॉक्स ज्ञान। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किया, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो दोस्तों, आपने सही सुना है, रेडमी का नोट 7 मार्केट में आ चुका है। चाइनीज मार्केट में ये लॉन्च हो चुका है और इंडिया में भी बहुत जल्दी ये लॉन्च होने वाला। और इसका अगर प्राइस और परफॉर्मेंस रेशियो अगर आप सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे, क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा सब कुछ दिया हुआ है। जैसे कि आप भी पहले सोचते थे कि वन प्लस इतना ज़्यादा तरक्की क्यों हासिल किया, क्योंकि वन प्लस वो सारा का सारा स्ट्रैटेजी, वो सारा का सारा फीडबैक को अपना फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करता था, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा कमाल का मोबाइल बना लेता था। जैसे कि जो भी कंज्यूमर को चाहिए रहता था, वन प्लस वही देता था। और वही फाइनली मेरे को लगता है स्ट्रैटेजी रेडमी भी अपना रहा है, और रेडमी भी कुछ ऐसा ऐसा चीज़ ला रहा है जो कि आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे। तो यार, ये वीडियो को आखिर तक देखना, और मैं आप लोगों को जब इसका प्राइस बताऊंगा तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन दिया गया है नोट 7 को। और नोट 7 को स्पेशल बनाने का क्या बात है, तो स्पेशल इसको सबसे ज़्यादा बनाता है इसका 48 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि जिसमें सेंसर यूज़ किया गया है सैमसंग का। और आप सबको पता है कि सैमसंग का सेंसर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और साथ ही साथ इसमें जो दूसरा कैमरा जो दिया गया है वो 5 मेगापिक्सल का है, और इसका अपर्चर साइज है f1.7 का। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लो लाइट में भी परफॉर्मेंस करने वाला। और प्लस, जैसा कि हर एक कंज्यूमर को चाहिए होता है कि जितना ज़्यादा मेगापिक्सल उतना ज़्यादा अच्छा कैमरा, सबको यही सोचता है। तो इसी को टारगेट करके रेडमी ने भी अपना 48 मेगापिक्सल का कैमरा लॉन्च कर दिया है, जो कि नोट 7 में आने वाला है। और साथ ही साथ इसमें स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर होने वाला है। बहुत ज़्यादा र्यूमर्स आ रहे थे कि स्नैपड्रैगन का 675 670 का प्रोसेसर होने वाला है, लेकिन ये Xiaomi ने क्लियरली बोल दिया है, मतलब कि Redmi ने क्लियरली बोल दिया है कि इसमें Snapdragon 660 होने वाला है। लेकिन आप टेंशन में बिल्कुल मत रहो, क्योंकि इसका प्राइस जब आप सुनोगे तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि इतना कम प्राइस में इतना ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर और इतना ज़्यादा अच्छा सारा चीज़ कैसे हो रहा है। तो आपको स्नैपड्रैगन का 660 का तो प्रोसेसर मिलता ही है, साथ ही साथ FHD+ का रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले भी आपको इसके अंदर मिलता है। स्क्रीन साइज़ वगैरह आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, तो आप देख लो। साथ में आपको बहुत छोटा सा एक नॉच दिखता है, जो कि यू शेप का नॉच है। तो Xiaomi ने थोड़ा सा अपने अंदर क्रिएटिविटी दिखाया और वी और ड्यू ड्रॉप को हटाकर यू शेप का नॉच लाया है। साथ ही साथ इसमें 4000 mAh का बड़ा बैटरी मिलता है, जो कि क्विक चार्ज 4.0 को सपोर्ट करता है। लेकिन इसके अंदर बॉक्स में आपको मिलता है 10 वॉट का चार्जर, लेकिन अगर आप एक्सटर्नली कोई चार्जर खरीदते हो तो आप क्विक चार्ज 4.0 को आराम से इंजॉय कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें प्रोटेक्शन के लिए भी आपको गोरिल्ला ग्लास का 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। नीचे आप देख सकते हो, नीचे में काफ़ी छोटा सा एक चिन्ह दिया हुआ है, तो उसको अगर हटा देता Xiaomi तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन यार, प्राइस ऐसा है कि वो रहेगा भी तो भी कोई ज़्यादा खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ऊपर में कोई बेजल नहीं है, और आप पीछे और आगे देख सकते हो ग्लास सैंडविच का डिज़ाइन है इसका, मतलब कि आगे पीछे दोनों तरफ ग्लास, और दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट आपको मिलता है। Xiaomi ने इसके ऊपर कोई ऑफिशियली नहीं बोला है कि इसके अंदर कोई भी टाइप का वाटरप्रूफिंग होगा, लेकिन हाँ, Xiaomi ने ये कह दिया है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन यूज़ किया गया है वाटर के अगेंस्ट में, जो कि हर एक जितना भी पोर्ट है उसको सील अच्छे से किया गया है। तो हो सकता है कि ये वाटर रेसिस्टेंट हो, वाटरप्रूफ ना हो, नहीं होगा, लेकिन हाँ, वाटर रेसिस्टेंट पक्का होगा। बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसका प्राइस, यार इसका प्राइस आपको सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक लगेगा, क्योंकि अभी ये चाइना में लॉन्च होने वाला है। और इसका जो 3 वेरिएंट लॉन्च होगा, 3 GB और 32 GB का मॉडल के साथ, 4 GB और 64 GB का मॉडल के साथ, और 6 GB 64 GB का मॉडल के साथ। तो 3 GB और 32 GB का जो मॉडल है उसका प्राइस अगर आप कन्वर्ट करोगे इंडियन करेंसी में तो वो अप्रॉक्स आपको पड़ जाएगा 11-11.5 हज़ार का, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का चीज़ है। 11-11.5 हज़ार में इतना ज़्यादा अच्छा स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन आना इम्पॉसिबल सा बात था। और मेरे को लगता है कि अभी जितना भी Zenfone का फ़ोन आया या फिर कोई भी फ़ोन आया, उसको बहुत ज़्यादा हद तक ये कॉम्पिटिशन देगा। और रेडमी जैसे पहले रहता था कि एक अकेला खड़ा रहता था, वैसे ही इस बार भी वो कंपनी खड़ा अकेला रहने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस और इतना अच्छा स्पेक्स के साथ कोई भी फ़ोन नहीं लॉन्च हुआ था।
साथ ही साथ आपको अगर इसका 4GB रैम और 64GB वेरिएंट लेना है तो वो आपको पड़ेगा 12,500 रुपये का, और फिर ऐसे ही आप कन्वर्जन कर लो तो आपको इसी टाइप का अप्रॉक्स पड़ेगा 13,500 रुपये का 6GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन होने वाला है। अगर आपको लेना था कोई फ़ोन बजट सेगमेंट में और अगर आप अभी लेने वाले हो तो प्लीज़ रुक जाओ, बहुत जल्दी ही ये फ़ोन इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है, ये एकदम कन्फर्म है। क्योंकि Redmi सीरीज़ का जितना भी फ़ोन आता है वो इंडिया में 100% लॉन्च होगा ही होगा, क्योंकि चाइना को भी पता है और Xiaomi को भी पता है कि इंडिया उसका बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। तो ये फ़ोन 100% लॉन्च होगा ही, तो आप प्लीज़ वेट कर लो। और ये जैसे ही फ़ोन आएगा इसका मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द एक अनबॉक्सिंग वीडियो और एक रिव्यू वीडियो आप लोगों को लेकर हाजिर हो जाओ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे में लाल कलर का बटन होगा यार, उसको दबा के ग्रे मार दो, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा देना। कोई भी सलाह या सुझाव यार तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे और मौज उड़ाओ।